बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ वकास खान और हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपके जो है वो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल्स में जो है वो टाइगर फोर्स की हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, और उसके बाद कुछ एक दो कमेंट्स ये थे कि हम अपनी जो है वो आईडी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि हमने अप्लाई कर लिया है, तो हम स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर क्या प्रोसेस हुआ है। तो ये तमाम तर बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ मिलती रहें बिना किसी तकलीफ के। तो फ्रेंड्स, बात स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंड सबसे पहले कि कुछ भाइयों के पास ये मसला चल रहा है कि हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ओपन ना होने की वजह ये है कि इस एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो है वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आपके पास जो है वो सम टाइम्स ओपन नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके पास, क्योंकि पूरा दिन ये ओपन नहीं होगी, अगर आपने ओपन करनी हो तो जिस तरह से फ्रेंड्स मैंने ओपन की है सुबह सवेरे 6:54 है, आप ऊपर टाइम को देख भी सकते हैं। इस वक्त मेरे पास ओपन हुआ है। कल मैं खुद इसको ट्राई करता रहा हूँ लेकिन ये मेरे पास ओपन नहीं हो रही थी। मैं आपको ये वीडियो बनानी थी कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, तो ये मेरे पास एप्लीकेशन ओपन भी नहीं हो रही थी। आज मेरे पास ओपन हुई है, तो आपके पास भी ये शाम के वक्त ओपन होगी या सुबह सवेरे आप एप्लीकेशन पर ओपन करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ ये मसला था कि कमेंट्स से ये आया कि भाई ये जो है वो यूज़र नेम कहते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो फ़र्ज़ करें अगर आप ये कहते हैं, आपके पास ये मसला आ रहा है कि यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप ये करें कि आप अपने नेम के आगे, फ़र्ज़ करें मेरा नाम वकास है, तो मैं वकास के आगे जो है वो 644 लगा दूंगा या 123 लगा दूंगा या कोई भी ऐसे डिजिट जो कि ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड ना हो, तो वो मैं लगा दूंगा, तो वो मेरा नाम जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। वो भी ना हो तो आपने जो है वो 2 हिस्सों पर ले जाएं, 3 हिस्सों पर ले जाएं या 4 पर ले जाएं, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपने जो है वो उसको याद रखने, जस्ट अगर याद ना भी रखें तो आपके आईडी कार्ड पर ये दोबारा ओपन हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारी मेन बात रह जाती है कि हम अपनी आईडी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अगर आप नीचे देखें जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऊपर आपके पास नज़र आ रहा है कि बिकामा कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलकम कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स, और उसके बाद यहाँ पर ट्रैक लिखा हुआ है। आप ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट का स्टेटस है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्टेड सिटीजन, वी आर रेडी रिसीव्ड योर वॉलंटियर रिक्वेस्ट, यू विल बी कंटेक्टेड सून। नीचे अगर आप उर्दू में पढ़ें तो मौजूद शहरी, हमें आपकी रजाकाराना दरख्वास्त पहले ही मौसूल हो गई है, जल्द ही आपसे राबता किया जाएगा। तो फ्रेंड, ये सिंपल सा तरीका था, और जो कुछ आपके एक दो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ क्लियर करना ज़रूरी समझे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।